तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में रॉयल एनफील्ड की बेस फायरबॉल एडिशन की एक कस्टम कलर दिखाऊंगा और आप लोगों को कुछ एक्सेसरीज के साथ भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि अगर आप एक्सेसरीज के साथ इस गाड़ी को लेंगे तो आपको क्या कुछ एक्सेसरीज मिलेगा और स्पेशल यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है शार डिस्ट्रीब्यूटर्स भवानीपुर कोलकाता में, जिनके शोरूम के सारे डिटेल्स और कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। तो अगर आप कोलकाता से तो आप जरूर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप कोई भी कस्टम कलर को लेंगे तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और नॉर्मल कलर से कस्टम कलर आपको ज़्यादा जल्दी डिलीवर किया जाता है। और फिलहाल इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी अगर कस्टम मॉडल लेंगे और अगर आप 5000 रुपये से ज़्यादा एक्सेसरीज लेते हैं या फिर 5000 रुपये की ही एक्सेसरीज लेते हैं तो आपको आपका एक्स्ट्रा एक नेम का ओनरशिप टैग या फिर स्टिकर टैंक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए लगभग आपको जो इस गाड़ी का अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस आज के तारीख में 2,06,000 रुपये, तो उससे लगभग इस मॉडल में आपको 6,000 से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर एक्सेसरीज। सबसे पहले आप देखेंगे कि बार एंड मिरर्स लगा हुआ है, इसका लगभग 3200 यानी कि 3200 के आसपास एक सेट का प्राइस आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लो सीट लगा हुआ है, यानी कि लो राइड टैग देकर सीट की फोम को थोड़ा सा कम करके एक लो सीट लगाया गया है, जो कि शॉर्टर हाइटेड राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कस्टम ब्रॉड फुटपैग्स मिलता है, जो कि आपको और भी बेटर कम्फर्ट ज़्यादातर लॉन्ग राइड्स में दे देता है। और ये कलर भी आप देखेंगे कि एक स्पेशल ग्रे कलर है, तो ये ग्रे कलर की मॉडल है जो कि स्टॉक कलर्स में नहीं आता है। इसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की टैग मिल जाएगा और एक जो एक स्टिकर आता है ओनर के नाम देकर, वो भी आपको इस टैंक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस आपको इस वाले मॉडल में अराउंड 2,11,000 से 12,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि कस्टम बिल्ड फॉर मॉन्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और साइड से अगर आप देखेंगे तो और कोई भी दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। इन सारे चीज़ों के अलावा, कस्टम कलर के अलावा और कुछ एक्सेसरीज के अलावा, इसमें और कोई भी मैकेनिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर हम इंजन की बात कर लेते हैं तो इंजन आपको 349cc का न्यू जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर इंजन मिलेगा, जो कि BS6 कंप्लायंट सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल लॉन्ग स्ट्रोक FI इंजन है। और इसमें आपको दोस्तों पावर मिलेगा 20.2 BHP एट 6100 RPM और टॉर्क मिलेगा 27 Nm एट 4000 RPM। और इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट ही आता है, 5-speed का गियरबॉक्स है, डबल क्रेडल फ्रेम पर बना हुआ है जो कि एक बिल्कुल नया फ्रेम है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। जे सीरीज की यहाँ पे दोस्तों आपको बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी और इस गाड़ी में आपको जो साउंड है ये भी काफ़ी ढंग का मिलता है और वो डुक डुक साउंड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एक ऑलमोस्ट वाइब्रेशन फ्री गाड़ी है, किसी भी तरह के वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन सेंसर बाहर से दिखेगा लेकिन कैटलिटिक कन्वर्टर इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसकी हेडलाइट को देखते हैं तो आपको इसमें एक DRL का रिंग मिलता है और हैजार्ड लाइट स्विच आपको मिलता है, जिसमें कि चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलने लगेगा। नॉर्मली ये एक हैलोजन यूनिट है और इसमें आपको DC कनेक्टिविटी मिल जाएगा ताकि रोशनी में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पीछे आपको यहाँ पे LED बैक लैंप मिलता है जो कि कैफे रेसर स्टाइलिंग में दिया गया है। ऑरेंज कलर के ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स मिलता है लेकिन ये इंडिकेटर्स जो ये फिक्स्ड है तो आसानी से टूटने का एक खतरा रहता है, क्योंकि टाइट है, फ्लेक्सिबल यहाँ पे नहीं है। साइड के जो पैनल्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली फाइबर के बना हुआ है और वाइब्रेशन को कम करने में फ्रंट के मडगार्ड और साइड के जो पैनल्स है ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि ये फाइबर के बने हुए हैं। पुल्ड बैक आपको रॉड टाइप का हैंडल बार मिलेगा और क्योंकि ये एक बेस फायरबॉल एडिशन है तो इसीलिए आपको बहुत ही कम क्रोम मिलेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो आपको यहाँ पे कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता है। स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और डिसेंट है, अच्छे क्वालिटी का स्विच गियर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसकी हैंडल बार को देखें तो हैंडल बार भी कम्फर्टेबल है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कम्फर्टेबली राइड कर पाएंगे। और फिलहाल जो आप स्विच देख रहे हैं, जो कि मैं दबा रहा हूँ, इसको दबा के आप यहाँ पे जो मीटर में जो इन्फॉर्मेशन इसको टॉगल कर पाएंगे और बहुत ही एडवांस्ड मीटर कंसोल भी इसके अंदर दिया गया है। अब इसके बाद अगर एक और कन्वीनियंट फीचर को देखें तो यहाँ पे USB चार्जिंग का एक सॉकेट दिया गया है, जो कि गाड़ी को चलाते वक्त आप अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक मोबाइल होल्डर अलग से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम और भी कन्वीनियंट चीज़ों की बात करें तो मीटर कंसोल काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ब्लूटूथ नेविगेशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों जो ब्रेक और क्लच लीवर्स है ये आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। अब मीटर कंसोल को देख लेते हैं तो मीटर कंसोल में मेन मीटर आपको एक ही मिलेगा, जिसमें कि आपको किलोमीटर्स और माइल्स पर आवर दोनों में ही स्पीड देखने को मिलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे कि इको इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और यहाँ पे दो ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, फ्यूल इन्फॉर्मेशन और डिजिटल क्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको बीच की ये डिजिटल डिस्प्ले में मिलेगा। साइड में आप देख पाएंगे दोस्तों ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कि आप रॉयल एनफील्ड ऐप के
हेल्प के साथ आप यहाँ पे GPS नेविगेशन कर पाएंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप कर पाएंगे और इंटीग्रेटेड विद गूगल है, तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे जो टेल लाइट्स है ये आपको बिल्कुल मेन मीटर के नीचे की तरफ मिल जाएगा, न्यूट्रल लाइट, साइड इंडिकेटर्स, और इसमें लो बैटरी, लो फ्यूल, ABS, इंजन मैलफंक्शन लाइट, सारी चीज़ें मिल जाता है। दोस्तों टैंक को देखें, टैंक के ऊपर आपको देखेंगे जैसे कि रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 3D टाइप एम्बलम दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों जो टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, आप अपने थाई से अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रिप करके गाड़ी को चला पाएंगे। 15 लीटर्स की यहाँ पे टैंक आता है, और चाबी को अगर देखेंगे तो चाबी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और प्रीमियम दिया गया है। हिल एंड टो गियर शिफ्टर आता है, और इसमें जो फुटपेग्स मिलते हैं इसके ऊपर भी आपको RE का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। अब इसमें 5 गियर सेटअप ही है, 6 गियर का मुझे कोई ज़रूरत यहाँ पे दिखा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको टॉल गियर रेशियोज़ मिल जाता है। और सीट की अगर देखें तो सीट यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, 170mm इसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लो स्लंग सीट होने के बावजूद भी राइडर और पिलियन दोनों को ही आराम से यहाँ पे बैठने का जगह मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि फ्रंट में जो सस्पेंशन लगा हुआ है 41mm फॉक्स लगा हुआ है, 130mm ट्रैवल के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और जैसे कि मैंने आपको दिखा दोस्तों जो एग्जॉस्ट है ये भी फुल्ली ब्लैक्ड आउट है। और पीछे आपको ट्विन शॉक अब्जर्वर मिल जाएगा 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ, और इसमें बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरीके का डैम्पिंग और कम्फर्ट ओरिएंटेड जो ट्यूनिंग है वो मिल जाता है। टायर्स में अगर आप देखें तो फ्रंट में और रियर दोनों में ही आपको ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 100x90 सेक्शन का 19 इंच यानी कि 19 इंच डायमीटर का टायर मिलेगा। ब्रेक आपको मिलेगा 300mm डिस्क, 2 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, लेकिन स्विचेबल ABS इसमें नहीं है। हायर मॉडल्स लेंगे तो आपको एल्यूमिनियम कट अलॉय रिम मिलेगा, और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 140x70 सेक्शन का 17 इंच का टायर लगा हुआ है 270mm डिस्क के साथ। ब्रेकिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन है, और आप देख पाएंगे दोस्तों कि इसके जो ट्रेड पैटर्न्स बना हुआ है ये भी बिल्कुल सिटी फोकस्ड ट्रेड पैटर्न बनाया गया है। टायर्स और सस्पेंशन यहाँ पे बिल्कुल ही सिटी और हाईवे फोकस्ड रोड्स के लिए बनाया गया है, कोई भी ऑफ रोडिंग आप इस गाड़ी में वैसे नहीं कर पाएंगे। व्हील बेस 1400mm है, और सीट हाइट कम होकर वैसे 765mm रहता है, लेकिन इसमें आपको उससे भी ज़्यादा कम मिलेगा, अराउंड 120 से लेकर 130 के बीच में यहाँ पे आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी अगर आप सिंगल राइड करते हैं। माइलेज जो है दोस्तों ये अराउंड 30 से लेकर 35 किलोमीटर पर लीटर तक का मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर राइवल्स की बात करें तो जावा स्टैंडर्ड, जावा 2.1, बेनेली इंपीरियल 400 और होंडा हाइनेस जैसी बाइक के साथ इसका कंपटीशन है, जिसमें कि मीटियोर जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकलता है। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस है वो भी मैंने आपको बता दिया। गाड़ी कैसी लगी और ये कस्टम एडिशन कैसा लगा जरूर बताइए। मेंटेनेंस इज ऑन द हायर साइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज राइड सेफ।